बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गया है। आपको बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र का सीट बंटवारा लगभग तय है, जैसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से यह जानकारी मिली है। सीट शेयरिंग का एक एक फॉर्मूला एबीपी के पास मौजूद है। आपको बता दें कि कांग्रेस शिवसेना यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना बराबर सीटों पर लड़ेंगी, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। अब आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं कि महाराष्ट्र के लिए इंडिया का क्या फॉर्मूला यहां हो सकता है। कांग्रेस 20 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटें बराबर सीटों पर लड़ेंगी, और एनसीपी शरद गुट 6 सीट, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी, ये पूरा फॉर्मूला सामने रख रहे हैं कि यहां बात बन गई है। अब इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, फॉर्मूला फाइनल हो गया है महाराष्ट्र का? शरीन, देखिए सोर्सेज के लिहाज से खबर ये आई है कि 20-20 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस के बीच में बात बनती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ये देख रही है कि अगर हिंदू राष्ट्रवाद को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ शिवसेना ही है, क्योंकि शिवसेना भी उसी कदम पर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां पर थोड़ा सा कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच ले, क्योंकि पहले तक इस एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस ये कह रही थी कि उसको 48 सीटों में से 25 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ना है महाराष्ट्र में, और उसके बाद बाकी सीटों पर एनसीपी और शिवसेना आपस में बात कर ले। लेकिन सीधे तौर पर अब बात यह आई है, जब शिवसेना ने भी यह कह दिया कि वो 23 से कम सीटें नहीं चाहती है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब वो बीजेपी के साथ समर्थक गठबंधन में थी, वो बात अलग है, लेकिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 18-19 सीटें जीत कर आए थे। उनका यह कहना है कि वो ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं महाराष्ट्र में, इसलिए पुरानी पार्टियां पहले से लड़ती आ रही है तो उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला समझ में आ रहा है वो 20-20 का समझ में आ रहा है, और 6 सीटें एनसीपी के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बहुजन अघाड़ी पार्टी जो बनाई गई है उसको भी 2 सीटें देने की बात की जा रही है। तो ये फॉर्मूला जो है लबालब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है श्री। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। तो ये फॉर्मूला जो लगभग तय हो गया है, इसे लेकर सूत्र यही बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र का ये प्लान है कि आपको जरा इसे विस्तार से इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। शिवसेना को बराबर सीट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे की काट के तौर पर यह रणनीति समझी जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें, दलित वोटर्स पर भी निगाहें हैं, नजर है। एनसीपी शरद गुट को कम सीट, अजीत पवार फैक्टर यहां पर समझा जा सकता है। तो ये पूरा प्लान जो बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में जो है वो बनाया जा रहा है, इस पर मुहर लग सकती है कभी भी, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन ये जो हिंदुत्व के एजेंडे पर बराबर बराबर सीट वाली बात की जा रही है, नीरज, क्या लग रहा है आपको, ये कितना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है या एक चुनौती नजर आ रही है क्या इस प्लान? देखिए, कोई भी चुनाव बिना चुनौती के होता ही नहीं है। निश्चित रूप में महाराष्ट्र में चूंकि एक बड़ा गठबंधन सामने नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुकी है, विधानसभा चुनाव में उसने अपनी ताकत दिखाई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और अगर लगेगा उनको कि कुछ सीटें इधर से कम होगी तो कहीं और एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है, 160 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से या तो हार गई थी या उसमें उनका जो है वो कभी जीते ही नहीं, ऐसी 160 सीटें। लेकिन भाजपा ने पिछले 1.5 वर्षों से उन सीटों पर अपना काम शुरू किया, तैयारी शुरू की, ताकि यदि सीटें कुछ कम इधर से आती हैं या कहीं से कम आती हैं तो उनको बकायदा मेंटेन किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे काम कर रही है। तैयारियों में बीजेपी कभी पीछे नहीं रहती और बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर तैयारी की जाती है, प्लानिंग की जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।